DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. देखिए, इससे बुरा दौर और क्या देखने को भारतवासियों को नसीब होगा कि अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है. वो नेपाल जैसे पड़ोसी मुल्क जो है वो हमारी सीमाओं को छोटा कर रहे हैं, अपने नक्शों के अंदर अपनी जगह को बढ़ा रहे हैं. चाइना ने जो किया आज 1962 के बाद, यानी आप लगा लीजिए पूरे 58 साल हुए हैं, 58 साल के बाद में एक साथ इतनी बड़ी शहादत हमारे जो है वीर सैनिकों को देना पड़ी, ये इतने अंदर तलक आ गए, इतनी बड़ी हिमाकत करके चले गए, और हमारे जो दोनों हुक्मरान हैं वो सिर्फ मीटिंगों के अंदर ही लगे हुए हैं. लोग कोरोना से सुरक्षित नहीं हैं, देश की सीमाएं भी अब सुरक्षित नहीं हैं. तो मोदी राज के अंदर आखिर सुरक्षा गई कहाँ? 56 इंच का वो सीना प्रधानमंत्री निवास के किस कोने के अंदर दबा बैठा हुआ है, जिसने हुंकार भरी थी जनसभाओं में कि हम एक सिर के बदले 10 सिर लेकर के आएंगे. पाकिस्तान अपनी चालें चल रहा है, चाइना अपनी शह लोगों को दिए चला जा रहा है, नेपाल आवाज़ उठाने लगा है, तो भारत की आवाज़ क्या इतनी कमज़ोर हो गई? भारत का मुल्क जो है, उसके शासक जो हैं, उसकी सरकार जो है, वो इतनी मौन हो गई है कि उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा, उनसे कुछ करा ही नहीं जा रहा. मैं सोचता हूँ कि इन अच्छे दिनों के लिए तो लोगों ने इनके हाथ मजबूत नहीं किए थे, इस सरकार को ये दिन देखने के लिए तो लेकर के नहीं आए थे. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम हमारे वीरों की शहादत को सलाम करते हैं. बहुत ही दुख का विषय है, हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम उन 20 जो हमारे सैनिक मारे गए चीन के आक्रमण से, चीन के द्वारा जो आक्रमण किया गया हमारे भारतीय सैनिकों को, हम हार्दिक श्रद्धांजलि करते हैं. कल से जब हमने समाचार पत्रों टीवी पर देखा, आंखें नम हो गई. हमारे देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि 20 शहीद हमारे जवान एक साथ मारे गए. आज मोदी जी से हमारा एक ही निवेदन है कि अब तो कोई ये निंदा प्रस्ताव छोड़िए. कहाँ गया आपका वो 56 इंची का सीना? कहाँ हमारे नेपाल जो हमारे से कभी व्यापारिक संबंध है वो जो हमारे ऊपर टिका हुआ था, जिसकी सारी अर्थव्यवस्था हम पे टिकी हुई, वो आज भास्कर और दूसरे समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि वो अंदर घुस रहा है, पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, और चीन ने हमारे आदमी 20 आदमियों को मार दिया और कई लापता है. अरे मोदी जी, कुछ तो ध्यान दीजिए देश के बारे में. आप नोटबंदी करते हैं, देश के अंदर सारी अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, कोरोना उसके अंदर आप फेल हो गए, आज हमारे देश की सारी सरहदें जिससे हम सुरक्षित नहीं है. आपसे निवेदन है मोदी जी, कुछ तो एक्शन लीजिए. अब ये बैठे के करना छोड़िए और चीन को उसकी सीमा के अंदर घुस करके मारिए. आज हम जो आप कहते हैं 56 इंच का सीना दिखाना है, तो आप चीन को दिखाइए और उससे हमारे जो व्यापारिक संगठन पूरे जो संबंध है वो खत्म कर दीजिए, उसको अर्थव्यवस्था उसकी तरह पूरी तरह से खत्म कर दीजिए. शैलेश गुप्ता.